रोहतास जिले में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच अवस्थित महादेव खोह के मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जल प्रपात, पक्षियों को चहकना और शांत वातावरण में मंदिर की घंटी की आवाज श्रद्धालुओं को अनायास ही अपनी ओर खींची चली ला जाती है। मनमोहक जलप्रपात में स्नान करने के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहां पर प्रति साल आते हैं। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित बौलिया से थोड़ी दूर पहाड़ी के चढ़ाई के बाद कैमूर के पहाड़ियों के गोद में बसा महादेव खोह का भव्य मंदिर अवस्थित है। बताया जाता है कि सोनपुरा स्टेट के राजा विश्वम्भर नाथ शाही ने शिवलिंग तथा महादेव खोह की स्थापना की थी। मनमोहक दृश्य होता है महादेव खोह की। जल प्रपात के बीच स्नान करते लोग, पहाड़ की वादियों के बीच छचहाते पक्षी एवं चढ़ाई चढ़ते हुए लोग, अपने आप ही ये पहाड़ लोगों को आकर्षण का केंद्र भरा होता है। तभी प्रत्येक साल हजारों श्रद्धालु पहाड़ पर चढ़कर यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ के पुजारियों ने बताया कि सच्चे मन से यहाँ पे मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक साल सावन के महीने के आसपास हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। अदर स्टेट से भी यहाँ लोग आते हैं। हाँ, ये यहाँ झारखंड से लखनऊ नदी है बगल में, झारखंड कटा हुआ है, बगल में यूपी है, दो तीन स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार थोड़ा रोड उस पर ध्यान दे, यहाँ पर आने में रोड का बहुत प्रॉब्लम है, ये स्थान तक आने में भी रोड का प्रॉब्लम है, थोड़ा रोड बनवा दे बढ़िया से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अगर इस पर ध्यान दे, ये बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के गोद में है, बिल्कुल पहाड़ के बीच में है। अब आप देख रहे हैं यहाँ गिर रहा है, मंदिर भी है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ध्यान देते बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। दो तीन स्टेट के लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि झारखंड का यूपी यहाँ से सटा हुआ है।